न्याय और न्याय देने वाले गोलचू देवता। उत्तराखंड के न्याय देवता के रूप में मशहूर गोलू देवता का अपना एक अलग महत्व है। कुमाऊं मंडल में घर घर में पूजे जाने वाले गोलचू देवता अपने न्याय के लिए हर घर में लोकप्रिय है। गोलचू देवता वो न्यायप्रिय राजा है जहां देश विदेश से लोग आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गोलचू देवता के यहाँ लगी अर्जी कभी भी खारिज नहीं होती और उन्हें न्याय मिलता है। गोलचू देवता का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के चितई में स्थित है। गोलचू देवता के पौराणिक महत्व की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि राजा झालू राय की कोई संतान नहीं थी। भैरव बाबा की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि उनकी आठवीं पत्नी से एक तेजस्वी बालक पैदा होगा, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन सातों रानियों ने ऐसा कुचक्र रचा कि गोलचू देवता को बचपन में ही कई कष्ट सहने पड़े, लेकिन देव स्वरूप होने के कारण उन्होंने हर कष्ट को चुटकियों में खत्म कर दिया। कहा जाता है न केवल गोलचू देवता ने वापस आकर रानियों को सबक सिखाया, बल्कि अपने उदार हृदय का परिचय देते हुए भी उन्हें माफ भी किया। यही वजह है कि उसके बाद से गोलचू देवता अपने क्षेत्र में न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। आज भी गोलचू देवता के चितई स्थान पर स्थित मंदिर में हजारों लोग पहुंचते हैं। गोलचू देवता को ग्वाल महाराज, गोलचू, बाला गोरिया और गौर भैरव नामों से जाना जाता है। आपको बता दें उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में इनके तीन मुख्य मंदिर भी स्थित हैं। चंपावत, चितई और कोड़ाखाल में इनके तीन मंदिर हैं। यही नहीं, पौड़ी गढ़वाल जिले में भी इनका एक मंदिर कंडोलिया देवता के नाम से प्रसिद्ध है। यही कारण है कि हर घर में ओम श्री गौर भैरव की जय, ओम दूताधारी देवता की जय, ओम कृष्णा अवतारी देवता की जय, ओम न्यायकारी देवता की जय के मंत्रोच्चार होते हैं। उत्तराखंड के नैसर्गिक सौंदर्य के बीच में स्थित इनके मंदिर की छटा देखते ही बनती है। यही नहीं, गोलचू देवता का महत्व इतना ज्यादा है कि उत्तराखंड के लोग कोर्ट कचहरी में जाने के बजाय गोलू देवता के दरबार में अर्जी लगाकर न्याय की गुहार करते हैं, और गोलचू देवता न्याय शिला पर बैठकर उचित न्याय भी करते हैं। इसीलिए उनकी न्याय शिला के चमत्कार ने उन्हें इतिहास में जगह दिला दी।